हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरु जी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने आईओटी के 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग जानेंगे आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नया है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ 5 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। तो जो लोग भी चैनल पर नया है, वो अभी अपना जो भी आपका टॉपिक मिस हो गया वो आसानी से कवर कर सकते हैं, तो कवर कर लीजिए आप अपना टॉपिक विद इन। अभी हम लोग सिर्फ 5 क्लासेस ही कंप्लीट हुए हैं, 15 अप्रैल से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपकी शाम के 6:30 बजे अपलोड होती है, तो आप डेली उसको क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बाकी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट careersknowledge.in पे मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने अपनी पाइथन की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं, हम लोग ऑलरेडी अपना पाइथन का बैच कंप्लीट कर चुके हैं। विद इन 42 क्लास के अंदर मैंने पूरी पाइथन को कवर कराया, जो आपके ओ लेवल की पाइथन थी। इसके साथ साथ क्या है, हमारे यहाँ पर जो चैप्टर बने वो काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, बट वो उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को मैं स्किप कर दूंगा, बाकी जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, बस इसका मतलब सिर्फ इतना इसको समझने का है कि कैसे आईओटी को डिजाइन किया जाता है, और ये चीज हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि हम लोगों को वही की वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बस थोड़े थोड़े अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस समझ के सब कुछ चलना है। ठीक है, और आईओटी डिजाइन मेथोलॉजी होती क्या है, यह हम लोग आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ। तो पहले है आईओटी डिजाइन मेथोलॉजी, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं, एक वर्ड में अगर मैं इसका आंसर दूं, तो आपको पता है, जैसे मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया हुआ था, जब पाइथन चल रही थी हमारी, तो पाइथन में जब मैंने आपको एल्गोरिदम पढ़ाई थी, ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। बिल्कुल सेम यही हमारा आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी होता है, कि हमें क्या लिखना है, एक स्टेप लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को एल्गोरिदम पढ़ाया था, फ्लो चार्ट पढ़ाया था, बस वही होता है, कि मतलब जैसे प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी हमें यही बताती है कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। और यहां पर भी देखेंगे आप, स्टेप ही यहां पे लिखे हैं इसलिए मैंने, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एल्गोरिदम होता है, वही हमारी आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी होती है, तो बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। जैसे आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी दैट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, स्टेप वन क्या होता है, तो देखिए समझिए अब इसको। द फर्स्ट स्टेप इन आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए, जब भी आप कोई आईओटी डिवाइस या आईओटी अपने घर में लगा रहे हैं, किसी भी तरह के आईओटी को डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, कि आखिर आप चाहते क्या है और आपका पर्पस क्या है। इन दिस स्टेप द सिस्टम पर्पस बिहेवियर एंड रिक्वायरमेंट सच एज डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट, डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट, मतलब आर गैदर, मतलब हमें सब कुछ इस फेस में सीखना सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जब आपको क्या बताया था, पाइथन बताया था, तो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्या बनता है, लेआउट बनता है, कि आखिर वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो ठीक है ना, तो पहले अपन लोग के माइंड में क्या आता है, लेआउट तैयार होता है, वेबसाइट दिखेगी कैसे, यहां पे क्या आना चाहिए, होम वगैरह सेक्शन आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, इमेजेस वगैरह आना चाहिए, और यहां पे बटन्स वगैरह लगाने होंगे, तो इस तरह के क्या हम लोग के माइंड में ये सारी चीजें आती है। तो मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर हमें अपने जो वेबसाइट है वो बनानी कैसी, ठीक है, ऐसी क्या हम लोग क्या कैसे डिजाइन करना चाह रहे हैं अपना आईओटी डिवाइस को, वो हम लोग पहले यहाँ पे अपने माइंड में रिक्वायरमेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो वो होता है कि कैसे वो वर्क करेगा, क्या आपकी आउटपुट चाह रहा है, तो सब कुछ हमें पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप टू क्या होता है, द सेकंड स्टेप इन द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। इन दिस स्टेप द यूज ऑफ केस ऑफ द आईओटी सिस्टम आर फॉर्मली डिस्क्राइब एंड डिलीवर बेस्ड ऑन द पर्पस एंड रिक्वायर। अब इस फेस में क्या होता है कि अब हम लोग क्या लेंगे, कुछ स्टेप्स ऐसे लेंगे कि आखिर ये जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट हम लोग चाह रहे हैं, इसका जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, और हमें किस किस केसेस की टूल्स की मतलब जरूरत पड़ेगी, और क्या हमारा पर्पस को जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने क्या लिया, पूरा सोच लिया है फर्स्ट स्टेप में क्या आपको आउटपुट चाहिए, कैसा आपका वर्क करना चाहिए, सेकंड स्टेप में हम लोग तैयारी करेंगे कि अब हमें इसके लिए किस किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट होता है थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप इन आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द डोमेन मॉडल। द डोमेन मॉडल डिस्क्राइब द मेन कॉन्सेप्ट एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट इन द डोमेन ऑफ द आईओटी इकोसिस्टम टू बी डिजाइन। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे। रफली मॉडल का मतलब इस तरह से होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं एक आपको उस एक आइडिया से बताता हूं कि हमने कहा कि हमारा ये आईओटी डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आईओटी डिवाइस है, जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट से थोड़ा सा रिलेट करिए तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। मैंने कहा कि जैसे हमारी वेबसाइट का होम पेज ऊपर आए, तो उसमें सबसे पहले एक क्या आए, आपका फॉर्म आए,
ठीक है, उस फॉर्म को क्या करेंगे जब तक आप लोग उस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या मान लीजिए एक फॉर्म आए जिसमें लिखा होगा आपका यूजर नेम लिखा होगा उसमें आपका और आपका उसमें पासवर्ड लिखा होगा, तो जब तक आप यूजर नेम और पासवर्ड को फिल नहीं करेंगे तब तक आप हमारी वेबसाइट में क्या नहीं कर सकते, तब तक हमारी वेबसाइट में लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपका, ये पूरा हम लोग तैयार करेंगे कि हमें कैसे लॉग इन करना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, सेकंड बॉक्स हमें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, उसके बाद एक क्या लगा होगा आपका सबमिट का यहाँ पे बटन लगा होगा। ठीक है, तो सबमिट का जो बटन होगा आपका उसमें क्या होगा, जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके हम हमारी वेबसाइट पे लिंक करते। ये क्या होता है आपका, यही मॉडल कहलाएगा कि आखिर हमारा जो आईओटी का डिवाइस है वो स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, कैसे उसका कौन सा हमें स्विच लगाना, किस सेंसर से उसको एक्टिवेट करना है, ये सब हम लोग अपने इस मॉडल में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो मॉडल होता है ये आपका क्या कहते हैं मेन कॉन्सेप्ट अपना इसी में रहता है। डोमेन मॉडल डिफाइंस द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, मतलब आखिर पेजों को आपस में कैसे लिंक करेंगे या एक आईओटी डिवाइस को दूसरे आईओटी डिवाइस से कैसे लिंक करें, तो इसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट चलेगा आपके थर्ड स्टेप में। नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ स्टेप, द फोर्थ स्टेप इन आईओटी डिजाइन मेथड इज टू डिफाइन इन्फॉर्मेशन मॉडल, इन्फॉर्मेशन मॉडल डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपन लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वर्चुअली एंट्रीज को देखेंगे। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट ऑफ वर्चुअल एंटिटी रिलेशन, टू डिफाइन द इन्फॉर्मेशन मॉडल फर्स्ट लिस्ट ऑफ द वर्चुअल एंटिटीज डिफाइंड इन द मॉडल, जैसे कि हम लोग अजम्पशन लगाते थे किसमें, अपन लोग जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे, तो मॉडल भी एक तरह से क्या होता है फ्लो चार्ट की तरह डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाए जाएंगे और फिर हम लोग उसको, मतलब ये पूरा थ्योरेटिकल बेस रहेगा कि डेवलप करने से पहले अपन को क्या क्या करना है। तो यहाँ पर भी आपकी क्या कुछ वर्चुअल एंटिटीज लगाई जाएंगी जिसमें हम लोग जाने किस तरह से वर्क आपका हो रहा, ये हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा। फिफ्थ स्टेप होता है, द फिफ्थ स्टेप इन द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द सर्विस स्पेसिफिकेशंस, डिफाइन द सर्विस इन द आईओटी सिस्टम, सर्विस टाइप इज इनपुट आउटपुट सर्विस एंड पॉइंट, मतलब अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, किस सर्विसेज डिफाइन करेंगे, कैसा इनपुट आउटपुट लेना है हमें, कैसे तरह से वर्क करना है। ठीक है, एंड सर्विस प्री कंडीशन एंड सर्विस एफर्ट, कैसे कैसे हमें उसमें कंडीशन लगानी है, किस तरह से वर्क करे और कैसे कैसे वो हमारे एफर्ट्स में हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये भी आपका फिफ्थ स्टेप में आएगा। नेक्स्ट है द सिक्स स्टेप आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिजाइन आईओटी लेवल ऑफ द सिस्टम, देखिए आईओटी लेवल्स वही होते हैं किस तरह से आपको इसको वर्क कराना है, लेवल बाय लेवल हमें जो वर्क कराना है वो आपका सिक्स स्टेप में वर्क होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेवंथ स्टेप, द सेवंथ स्टेप इन द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द फंक्शनल व्यू, द फंक्शनल व्यू डिफाइन द फंक्शन ऑफ द आईओटी सिस्टम ग्रुप्ड इन द वेरियस फंक्शन ग्रुप। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारे ये वर्किंग हमें इसको करवाना है, किस तरह से कैसे इसको लिंक करना है। ईच फंक्शन ग्रुप आइदर प्रोवाइड फीचर इन द इंटरेक्टिंग विद द इंस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट डिफाइन इन द डोमेन मॉडल, मतलब जो हमने मॉडल बनाया था उस मॉडल से हम लोग देखेंगे कि अब हमें किस तरह से अपने पेजेस को लिंक करना है, किसी भी चीज को किस तरह से हम अपना काम करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें जैसे कि हमें पाइथन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मॉड्यूल्स वगैरह वर्क करते थे, इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा, किस जो हम लोगों ने ऊपर मॉडल बनाया हुआ है उस मॉडल में जो भी हमने कह लिया वर्चुअल कॉन्सेप्ट लिए उनको कैसे हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे एट्थ स्टेप, द एट्थ स्टेप इन द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन, इन दिस स्टेप वेरियस ऑप्शंस पर्टेनिंग द आईओटी सिस्टम डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट इन ऑपरेशन आर डिफाइंड, सच एज सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसमें सब कुछ डिफाइन किया जाएगा कि कैसे अपन को इसको चलाना है, होस्ट करना है, स्टोरेज ऑप्शन, कैसे हमारा डेटा स्टोर होगा, कैसे डिवाइस में ऑप्शन में वर्क करेंगे जिससे हम लोग ऑप्शन के द्वारा चेंजिंग वगैरह कैसे करेंगे। ठीक है, नाइन्थ स्टेप क्या होता है, द नाइन्थ स्टेप इन आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइस कंपोनेंट। ठीक है, सभी अब देखिए आपने अलग अलग क्या किया, हर एक चीज को बना लिया है, अब बात आती है इन सबको अपन को क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो इस स्टेप में क्या होगा आपका जितने भी डिजाइन होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं वेबसाइट में पेजेस बना लेते हैं, फिर एट लास्ट जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो पेजेस को हम लोग क्या करते हैं लिंक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपका ये चलेगा। जो आपका नाइन्थ स्टेप होगा इसमें आपको क्या रहेगा, जो भी डिवाइस आपके रहेंगे यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, डिवाइस जो का इंटीग्रेशन होगा, द फाइनल स्टेप ऑफ द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डेवलप द आईओटी एप्लीकेशन। एट लास्ट क्या होगा, जैसे वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है तो हम उसको होस्ट कर देते हैं, उसी तरह से क्या होगा आपका जब आपका ये लास्ट में आपका तैयार हो जाएगा, तो इसमें लास्ट में हमारा जो टेंथ स्टेप यही बताता है, फाइनल स्टेप ऑफ द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डेवलप द आईओटी एप्लीकेशन। मतलब क्या हो जाएगा, अब हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली, हर एक चीज को अलग अलग डिवाइस में बना लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे डेवलप कर सकते हैं और फाइनली हमारी जो आईओटी एप्लीकेशन है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी को, जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप यहाँ पे बता दिए जो भी फॉलो होते हैं। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं, अगर आपको चाहिए नोट्स पीडीएफ में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007253350 पे इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए आप मुझे।
ठीक है, तो आप लोगों को कुछ वहां पे कंडीशंस है, कंडीशंस के साथ अगर आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आईओटी के कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके नोट्स वेबसाइट पे अपलोड नहीं होंगे, पाइथन के नोट्स वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, तो पाइथन के आप वहां से ले सकते हैं। अगर पाइथन के नोट्स की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आज हम लोगों ने अपना कवर कर लिया है आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी का। बाकी जो लोग भी चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और प्रीवियस क्लासेस या फिर आपको अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें M1, M2, M3 और M2 के भी कंप्लीट प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी है हमारे चैनल पर, और एग्जाम क्वेश्चन भी है, तो आप लोग वहां से उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग उसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।